बंगाल में सिर्फ सिंडिकेट राज, कटमानी के सरकार, यहाँ के राशन में चाल चोरी, जब और माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि उन्हीं से हाफ एक उसे साफ, वो पूरा मुझे नज़र आ रहा मानिकतला विधानसभा से। नहीं, मैंने कहा ना, इन्होंने अभी राजनीतिक कम और अभिनेत्री ज़्यादा हो गई है। जिस तरह से यहाँ के टीएमसी के नेता और मुख्यमंत्री कहते कि खेला होबे, तो आज हमारा जो आग्रह है निर्वाचन कमीशन से, यहाँ के पुलिस ऑफिसर से, कि लोगों को वोट देने का अधिकार दिया जाए। लोग किसको वोट देंगे फिर पता चलेगा। टीएमसी के लोग इतने डरे हुए हैं, इस कारण से बूथ के बाहर बमा फेंकते हैं, कार्यकर्ता के घर पे पत्थर फेंकते हैं, दुकानें जलाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जहां लोग जाएंगे वोट देने के लिए वो टीएमसी के खिलाफ वोट जाएगी। कल्याण चौबे जी हैं हमारे साथ, यहां के भाजपा प्रत्याशी हैं और अब की बार कांटे की टक्कर दिखाई देने को दे रही है, टीएमसी वर्सेस भाजपा और बाकी पार्टियां यहां पर कोई नज़र नहीं आ रही है। सर, कैसे देख रहे हैं अब की बार का जो चुनाव है कि सिंपैथी की वोट गेन करने के लिए दीदी व्हील चेयर से चुनाव प्रचार करती है, राहुल गांधी वहाँ जाते हैं, नरेंद्र मोदी झूठ बोलता है, इस तरह के बयानबाजी करते हैं। देखिए, यहाँ के मुख्यमंत्री अभी राजनीतिक कम और अभिनेत्री ज़्यादा हो गई, ठीक है। जिस तरह से उन्होंने गांव के महिलाओं को बेवकूफ़ बना रही है कि महिलाओं इनको जवाब देगी बहुत जल्दी, और इन्होंने 10 साल बंगाल में सिर्फ सिंडिकेट राज, कटमानी के सरकार, यहाँ के राशन में चाल चोरी, जबकि कोविड में, कोरोना में, अम्फान में ट्रिपल चोरी के जो इनके मंत्री नेता सभी ने दिया है, अभी इन्होंने नाटक कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मानिकतला में जिस तरह से अपार उत्साह मैं देख रहा हूँ, लोगों में अपार जन समर्थन मिल रहा है भाजपा के पक्ष में, मुझे ये दिख रहा है कि अब की बार 200 पार, ये जो माननीय अमित शाह जी हमेशा कहते हैं बंगाल के लिए, और माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि उन्हीं से हाफ एक उसे साफ, वो पूरा मुझे नज़र आ रहा मानिकतला विधानसभा से। सर, क्या देख रहे हैं कि जो दीदी हैं वो जय श्री राम के नारे से इस तरह की डर जाती हैं, गाड़ी छोड़ करके भागने लगती हैं, फिर अब मंदिर मंदिर घूमती हैं, फिर हर हर महादेव का नारा भी लगाती हैं, चंडी पाठ भी पढ़ती हैं, वो भी विशुद्ध रूप से पढ़ा जाता है, तो उसको कैसे देखते हैं कि क्या अब हिंदुओं के वोट से वो जन जागृति करके अपना फिर दोबारा से बंगाल में सत्ता कायम करना चाहती हैं? नहीं, मैंने कहा ना, इन्होंने अभी राजनीतिक कम और अभिनेत्री ज़्यादा हो गई है। जिस देखिए, बंगाल में बंगला में कहावत है कि चेना बामुनेर पोईते लागे ना, जो पंडित होते हैं उसको जनऊ दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जिस तरह से ममता दीदी कर रही है ना, जो भरी जनसभा में से मंत्र पाठ कर रही है, वो भी 80% गलत उन्होंने मंत्र पाठ करती है। तो इस तरह से मुझे लग रहा है कि जो हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाना उतना आसान नहीं है। उन्होंने जिस तरह से 10 साल तुष्टिकरण की राजनीति की है, एक विशेष वर्ग को जिस तरह से उन्होंने बढ़ावा दिया है, और यहाँ पे जिस तरह से संतरास बढ़ा है, आपने देखा मुर्शिदाबाद में खगड़ागढ़ में किस तरह से बम बने हैं, यहाँ पर पार्ट सर्कस में कितने हालत बुरा हुआ था कोरोना के दौरान, सीए के समय 5 ट्रेन फूके गए थे मुर्शिदाबाद के बेलडंगा और रेजी नगर में, ये सारे चीज़ जो है यहाँ के वोटर, यहाँ के लोग नहीं भूले हैं, जो कि चुनाव के समय निश्चित रूप से वो जवाब देंगे वोट बॉक्स में। तो क्या लग रहा है, भाजपा आएगी तो इस चीज़ को परिवर्तन में ला करके दिखाई देगी कि अगर सीए का कानून हम यहाँ पर दोबारा से पारित करते हैं तो क्या दोबारा से ट्रेनें नहीं जलाई जाएंगी? देखिए, बंगाल के भौगोलिक अवस्थान के अनुसार एक बहुत ही एक रिस्की पोजीशनिंग में है। आपको पता है कि बसीरहाट, डायमंड हार्बर, नोदिया, मुर्शिदाबाद, इस जिला जो है, जो कि सीमांतों के ऊपर है, वहाँ बहुत सारे घुसपैठिया आ रहे हैं, और वहाँ ये आवश्यक है कि सीएए लागू हो, जिस तरह से सीएए लागू किया गया है। और दूसरी बात, देखिए, जब भाजपा कहती है, भाजपा विकास के राजनीति की बात करती है, जिस तरह से यहाँ के टीएमसी के नेता और मुख्यमंत्री कहते हैं कि खेला होबे, जबकि इंसान यहाँ परेशान है, किस तरह से उनकी रोटी रोजी रोजगार चलेगा, जीविका बनेगी, वो जीवन को एक खेला बना दिया। वहीं हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि यहाँ शिक्षा होबे, स्वास्थ्य होबे, अस्पताल होबे, स्कूल होबे, नौकरी होबे, ये जो चीज़ है, दोनों पार्टी के अंदर जो अंतर है, यहाँ अंतर नज़र आता है कि भारतीय जनता पार्टी एक सीरियस पार्टी है जो कि सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए सोचती है। सर, सबसे बड़ी बात है कि जब नंदीग्राम में नामांकन करने जाती हैं दीदी, तो सीधा सीधा भाजपा के ऊपर आरोप मढ़ दिया कि इन्होंने मेरे ऊपर हमला कराया, कुछ दिन बाद वो क्लियर हो जाता है कि कोई हमला नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है कि भाजपा के 130 से 40 कार्यकर्ता मार दिए जाते हैं, या फिर 80 साल की एक बुढ़िया घर में जा करके मारी जाती है, तो उनके लिए एक शब्द नहीं निकलता है दीदी से। क्या
बंगाल की जनता इस बार भी ऐसे मुख्यमंत्री को देखना चाहती है क्या? देखिए, बंगाल की जनता तो इस मुख्यमंत्री को देखना नहीं चाहती है, लेकिन अफसोस है कि बंगाल की जनता को वोट देने के अधिकार से इनको वंचित किया गया है, रोका गया है। तो आज हमारा जो आग्रह है निर्वाचन कमीशन से, यहाँ के पुलिस ऑफिसर से, कि लोगों को वोट देने का अधिकार दिया जाए। लोग किसको वोट देंगे फिर पता चलेगा। टीएमसी के लोग इतने डरे हुए हैं, इस कारण से बूथ के बाहर बमा फेंकते हैं, कार्यकर्ता के घर पे पत्थर फेंकते हैं, दुकानें जलाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जहां लोग जाएंगे वोट देने के लिए वो टीएमसी के खिलाफ वोट जाएगी। सर, कहीं ना कहीं भय का माहौल रहता है। हम इससे पहले हमने और भी राज्यों में चुनाव देखा है, वहाँ बड़े आसानी से चुनाव हो जाता है, लोकल पुलिस जो बॉडी है वो चुनाव करा जाती है, यहाँ पर सेंटर से सिक्योरिटी लानी पड़ जाती है। ऐसी क्या मजबूरी रहती है यहाँ पर जो हिंसक हो जाता है? देखिए, बहुत ही अफसोस की बात है, लेफ्ट ने ये शुरुआत किया था, 34 साल भय की राजनीति यहाँ पे हुआ है, जबकि लोग यहाँ पे बहुत ही डर के माहौल में, जहाँ पे सारे इंडस्ट्री कारखाना बंद हुआ है, चोल छेना चोलवेना के सरकार चला 34 साल। उसके बाद जब लोगों ने 10 साल के लिए टीएमसी को लाया, टीएमसी ने कहा कि विरोधी सुनो पंचायत बनाओ, तो क्या कि लोगों को अपने नामांकन भरने नहीं दिया गया। फिर उन्होंने कहते कि जिस काउंसिलर के वहाँ विधायक नहीं जीतेंगे उनको टिकट नहीं मिलेगा, और जहाँ जीतेंगे वहाँ 1 करोड़ मिलेगा। तो इस तरह से जो लुभावने वाली बात है और जो गणतंत्र के ऊपर जो आघात है, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। और आज की तारीख में युवाओं और शिक्षित वर्ग के जो समाज के लोग हैं वो इस तरह की राजनीति पसंद नहीं करते, और गाँव के भी जो ग्रामीण इलाके के जो लोग हैं वो भी इस डर के माहौल से बाहर आना चाहते हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल होगा कि गिनीस वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी दर्ज होती हैं, तो मुझे लगता है कि जो हमारे यहाँ से नामांकन व्हाट्सएप पे हुआ है वो भी दर्ज कर देना चाहिए कि इतना लोकतंत्र की हत्या किस तरीके से होती है। विपक्ष चिल्लाता है जाकर के वहाँ पे सदन में, कहता है लोकतंत्र की हत्या हो रही है, राहुल गांधी कहते हैं लोकतंत्र की हत्या होती है। अगर लोकतंत्र की हत्या हो रही है बंगाल में व्हाट्सएप पर चुनाव का नामांकन होता तो यहाँ पर तो वो मुंह से जाता है इन लोगों का। ये बिल्कुल आपने सही कहा, इस बंगाल के नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए। 136 भाजपा के यानी कि विरोधी दल के कार्यकर्ता की जो मृत्यु हुई है, यहाँ पे बहुत सारे कार्यकर्ता को मार के लटका दिया जाता है और बोलता कि आत्महत्या किया है, बहुत सारे लोगों को यहाँ से मारा जाता, बोलता कि घरेलू मामला है। तो मैं समझता हूँ इस सारे विषयों के लिए बंगाल के जो वर्तमान जो शासक है उनके नाम गिनेस बुक में आना चाहिए। और ये बंगाल, अफसोस के साथ, इंग्लिश में कहावत है कि हेडलाइन बना है हमेशा रॉन्ग रीज़न के लिए, बहुत सारे रॉन्ग रीज़न के लिए बंगाल हमेशा भी हेडलाइंस में आ रहे हैं। मैं ये चाहूँगा कि बंगाल की जनता को एक अधिकार मिले कि वो सही तरह से चुनाव में अपना मतदान कर सके और बंगाल में एक स्वच्छ भारत बनने का बंगाल से ये प्रक्रिया शुरू हो। सर, बंगाल की धरती को हम बहुत स्वर्णिम अक्षरों में देखते हैं, क्योंकि वंदे मातरम यहाँ से मिला हमें, राष्ट्रगान हमें यहाँ से मिला, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे, विवेकानंद स्वामी ऐसे बड़े बड़े महान पुरुष हमें मिले, आखिरकार इस धरती को रण क्षेत्र क्यों बना दिया गया? देखिए, इसी के कारण हम भाजपा सोनार बांग्ला बनानोर जन्य सोनार बांग्ला करते हबे, बीजेपी आसछे तृणमूल जाच्छे, इसे जो सोनार बांग्ला के लिए जो हम जो प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि आपने कहा रविन्द्रनाथ ठाकुर, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष बोस, अवनींद्रनाथ ठाकुर, बंकिमचंद्र, बहुत सारे ऋषि मनीषी ने जो यहाँ पे जन्म जिनके हुआ और जिस तरह से भारत की अग्रगति में उनका स्थान रहा, भूमिका रहा, मैं समझता हूँ कि भाजपा के शासन के द्वारा दोबारा बंगाल में सोनार बांग्ला बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।